हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से मैं आज बात करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहा हूँ जो टेंशन लेने की वजह से बहुत अचानक दौरा पड़ गया और हार्ट अटैक का आगे पता नहीं क्या क्या इस तरह की। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में आप अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अकामा रिन्यू करने का कोई टूल नहीं है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है ना, कि हेल्थ इंश्योरेंस को मतलब सऊदियों को कमाने के लिए बनाया हुआ है। सब बेकार की जो बात है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके अपने फ़ायदे के लिए है। अगर आपको उसका इस्तेमाल करना आता है तो ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये आपको भी नहीं पता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं चाहूँगा हर ये बंदे से शेयर करें, जो भी बंदा एक एज पे पहुंच रहा है जिसको लग रहा है कि टेंशन बहुत ज्यादा ले रहा है, उसको सबसे पहले आप जाके इंश्योर कराओ, क्योंकि आपकी जमा पूंजी सारा पैसा लग जाएगा, क्या पता आपको किसी से मांगना भी पड़ जाए इलाज कराने के लिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हराम है। हराम और हलाल की देखें वो लोग बात करें ना जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, तो वो फिर भी समझ में आता है। दूसरा, हम वो लोग हैं अगर इंश्योरेंस हमारे हाथ लग जाए और हमें इस्तेमाल करने का पता हो तो छींक आने पे भी हम लोग जो है इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करना नहीं आता तो साहब बोलते हैं यार टैबलेट खा के ठीक हो जाएंगे, या इंश्योरेंस नहीं है तो बोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और टैबलेट खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसको इंश्योरेंस एक दफा गया उसने यूज किया और वो छींक आने पे भी आप लिख लो वो हॉस्पिटल जा रहा होगा, क्योंकि फ्री है। 8-9 रियाल आप पे करते हो, 200-300 रियाल का इलाज 8-9 रियाल में करते हो, तो आप एंड तक उसको इस्तेमाल करते हो, जो कि गलत है। अब लोग बोलेंगे कि यार मेडिकल इंश्योरेंस अगर यूज करने के लिए नहीं तो फिर किस लिए है, रखने के लिए तो है नहीं। तो भाई पढ़ लिया करो, इंश्योरेंस के साथ आगे लिखा तामीन अत्तामुनी, मतलब कोऑपरेटिव इंश्योरेंस। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सपेट्रेट्स जो कि तकरीबन 5 मिलियन है फॉर एग्जांपल, ये 2 मिलियन है, तो उसका टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है कि अगर ये सारे लोग इंश्योर्ड हैं तो बीमारी के लोग कितने होंगे बीमार, तो उस हिसाब से वो लोग प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बीमार लोग ही जाके इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को दिवालिया हो जाएगा और कंपनियां बोलेंगी भाई हमें तो चाहिए नहीं, हम या तो सबको इंश्योर करके एक दूसरे का पैसा यूज हो, यानी कि आपने 1000 दिए, एक ने 1000 दिए, 10 लाख लोगों ने दिए, लेकिन एक के इलाज में अगर 20,000 खर्च हो रहा है तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। इंश्योरेंस की जो इस्लामी पॉलिसी है वो इस तरह की है कुछ। खैर, मैं कोई पहली बात तो है कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं। आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अगर आपको सऊदी अरब में रहना है। आप उसको ना कराओ तो आपका कामा रिन्यू नहीं होगा, और अगर आप करा लेते हो तो आप इतने सीधे हो नहीं कि आप बगैर इंश्योरेंस की आप बैठ जाओगे। तो आप लोगों को छोटी सी गलतफहमी दूर कर दूं कि इंश्योरेंस बेकार चीज है, इंश्योरेंस बहुत काम की चीज है अगर आपको पता है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ABCD 4 टाइप 5 टाइप की कैटेगरीज होती है इंश्योरेंस की। उस कैटेगरीज में जो मेन बेनिफिट है वो एक ही है, सिर्फ हॉस्पिटल का फर्क आता है। मिसाल के तौर पे जो गोल्डन क्लास इंश्योरेंस है तो वहां पे समझे बाशरा हिल, इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, इस तरह के हॉस्पिटल डायरेक्ट कवर्ड है, यानी कि आपको रेफर होके नहीं जाना, तहवील जिसे कहते हैं, रेफरल। रेफरल क्या होता है कि पहले आप अबीर जाओगे, वहां पे अगर आपने देखा कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और ये बंदा मतलब डेंजर जोन में है तो वो लोग रेफर करेंगे, तब जाके सऊदी जर्मन या बाशरा हिल जिसके पास भी जो अपॉइंटमेंट जो इक्विपमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा। सी क्लास में अगर आप बीमार होते हैं तो आपके जो बेनिफिट हैं वो पूरे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी शर्त है कि आपका जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे हार्ट का जो भी, वो इंश्योरेंस की डेट से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस की डेट से पहले का है तो आपको अंडरराइटर को, जो मेडिकल अंडरराइटर होता है इंश्योरेंस में, उसको रिक्वेस्ट भिजवानी पड़ेगी किसी ब्रांच के थ्रू या अपने मंदूब के थ्रू कि भाई मेरा ये क्रॉनिक केस है और मुझे ये इसको कवर करना है, मुझे, मैं तो अभी भी बिल्कुल ठीक हूं लेकिन ये मेरा मसला है, ऐसे कि आप मेडिकल रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा हाई हो जाए, या हो सकता है काफी हाई हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके मौसेसे में आपके कफील के कितने लोग हैं। अगर 100 से ज्यादा लोग हैं तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होगी, या 50 से ज्यादा लोग हों आई थिंक तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होगी। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट 50 लोग हैं, 50 लोग फैमिलीज मिला के अगर वो 100 तक लोग हैं तो 100 के 100 बीमार नहीं होंगे, तो आपका प्रीमियम बहुत हद तक इम्कान होता है कि वो बीमार नहीं होते, तो उसमें आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन जब जिनकी पॉलिसी जो है छोटी है, पॉलिसी किसे कहते हैं, इंश्योरेंस जब आप कराते हो, जब आपके पास कार्ड आता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का कार्ड होता है। अगर तो आपके पास मौसेसे में 8-10 लोग हैं तो वो इंडिविजुअल कहलाई जाएगी, जो 200-300 रियाल में, 350 में 250 रियाल में भी इंश्योरेंस कार्ड बन जाता है, तो उसमें जाहिर सी बात है वो आपको 5 लाख रियाल की कवरेज नहीं देंगे, वो उसको कंडीशनल कर देंगे कि अगर आप बीमार होते हैं, अगर आप सीरियस होते हैं तो आपका इंश्योरेंस वो
कारामद होगा। ये नहीं होता कि भाई मैं कॉस्मेटिक में जाके दांत सफेद करा लूं या ये करा, ये सब गोल्डन पॉलिसी के नखरे हैं। तो आपको चाहिए, क्योंकि मशरकी लोगों का अमूमन जो खाना पीना है वो क्या है, ऑयली किस्म का खाना है, जिससे जब तक सेहतमंद है, सेहतमंद जब बीमार होते हैं बिल्कुल बीमार होते हैं, सूख भी जाते हैं और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है और 10 किस्म के मसले होते हैं। तो क्योंकि हमारे खाने इस तरह के हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि भाई आपको अगर अपना पैसा बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, किसी के आगे अगर हाथ अगर आपने नहीं फैलाना है, तो इंश्योरेंस करके रहें। इससे पहले कि आपको अमराज लगे, उससे पहले से आप अपने आप को इंश्योर्ड रखें। कोई इंश्योरेंस कोई महंगा नहीं है कि लोग परेशान होना शुरू कर दें। सेहत का ख्याल रखते हैं, अगर आप इंश्योर्ड रख रहे हैं खुद को, तो इंश्योरेंस आपका महंगा नहीं आएगा। एम्प्लॉयज का रेट और बच्चों का रेट एक है, 200-300 रियाल से सी क्लास का प्रीमियम शुरू होता है, और खवातीन का जो प्रीमियम है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि उसमें मेटर्निटी कवरेज होता है, यानी हमल वगैरह। उसके बाद एज के साथ साथ आपका प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि उसके साथ साथ रिस्क बढ़ते हैं। लेकिन इतना भी नहीं होता, अगर आप बीमार नहीं हुए और अगर आपने पूरी रेगुलर हर साल आप एक्सपायरेशन से पहले अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करा रहे हैं, तो आपकी पूरी चीज़ों को कवर किया जाएगा। जो इंश्योरेंस के पीरियड में आपको नए अमराज आते हैं वो कवर्ड होगी सारी। अब आप ये सारे पूछ रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। भाई मैंने देखा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग दिल पे लेने लगे बातें, अचानक बैठे बैठे उनको अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और जो पैसा था लोगों ने गाड़ियां बेची और लोगों ने उधार लिए, चैरिटी से लिया, और कामें बहुत सारे लोगों के खत्म है, तो चैरिटी भी हाथ उठा लेती है कि भाई अगर आप लीगल नहीं है तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको कौन सपोर्ट कर सकता है? सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका अकामे से कोई ताल्लुक नहीं, कि अगर आपका अकामा एक्सपायर हो गया तो हम आपको कवर नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। अकामे की वैलिडिटी अलग, इंश्योरेंस की वैलिडिटी अलग। अगर अकामे के साथ उसको लिंक करना होता कि अगर ये अकामा अगर आपका वैलिड नहीं तो इंश्योरेंस नहीं होगी, तो उसको ये लोग अकामे से लिंक करते हैं। ये पहले आप समझें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किस डेट से वैलिड है, ये बहुत पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। इसका अकामे से कोई लेना देने की, अकामा एक्सपायर होगी तो वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या तहरीर में डाल देंगे, सब बकवास किस्म की बातें। अगर आपके दिमाग में ये है भी तो आप निकाल के बाहर फेंक दें। बहुत सारे लोग डराते हैं कि इंश्योरेंस में मत जाओ, ये इनको कुछ नहीं पता। और मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने केसेस देखे हैं, लोग बहुत जा रहे हैं हॉस्पिटल्स। अब मैं एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपका रीइंबर्समेंट का इशू है, रीइंबर्समेंट भी मैं आपको बताऊंगा। रीइंबर्समेंट कहते हैं कि खुदा ना खास्ता आप बाहर थे और आप उस हॉस्पिटल नहीं जा सके जो आप मेडिकल कार्ड में, जो उस लिस्ट में अपॉइंटेड या अप्रूव था। आप बीमार हो ना करें, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, इमरजेंसी में आप किसी हॉस्पिटल चले गए, तो उस वक्त अगर तो वो इमरजेंसी थी तो वो सारी मेडिकल इनवॉइसेस कवर्ड हैं, बशमूल कंसल्टेंसी फी, मेडिसिन वगैरह जो भी आप कुछ आपको लगा है, वो सीधे सीधे आप वो फाइल बनाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके किसी भी जिस इंश्योरेंस की आपकी पॉलिसी वहां जाके सबमिट करें, रीइंबर्समेंट के लिए फॉर्म भर के आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये रीइंबर्समेंट का है। रीइंबर्समेंट एक और तरह से भी होती है कि अगर आपको लग रहा है कि इस मुल्क में, सऊदीया में, अगर आपका इलाज महंगा है या आपको डर है कि यहाँ पे मैं, मतलब मेरे साथ कोई फैमिली नहीं है वगैरह वगैरह, अगर ऐसा आपको डर है तो आप पहले अप्रूवल लेकर आप अपने मुल्क में इलाज करा के यहाँ पे इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसा होता है कि अब उल्टा हो गया, लोग बोलते नहीं अपने मुल्क जाके नहीं कराएंगे, वहां चीट हो जाएगी और वहां पता नहीं क्या तजुर्बे कर जाएंगे, तो फिर भी कंट्रोल है, सिस्टम है, क्वालिटी है, तो अक्सर लोग ये कराते हैं। तो इसकी शायद आपको जरूरत ना पड़े। अगर पड़े अप्रूवल लेकर जाना, सब अप्रूव्ड है, कोई किसी की जेब से नहीं जाता। और ये सब बकवास बातें जो ये बोलते हैं कि नहीं इंश्योरेंस कवर नहीं करती, वो तो सिर्फ सऊदियों के लिए होती है, सब बकवास किस्म की बातें। जिनको इंश्योरेंस का इस्तेमाल नहीं आता, जिनके इन चीजों को नहीं पता, वो ये बातें करते हैं, या वो लोग करते हैं जिनको इन चक्करों में पड़ना नहीं होता, जिनको समझ नहीं आ रहा होता। सिर्फ आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी के आगे आप हाथ ना फैलाएं। सिर्फ मेरा ये मकसद है कि मैं आपको इंश्योरेंस की चीजें समझा रहा हूं और इंश्योरेंस के लिए इनकरेज कर रहा हूं। मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा ना, मैं इसका इसमें कोई मैं किसी कंपनी का बोलूंगा। मैं आपको हर इंश्योरेंस की पॉलिसी, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी CCHI के अकॉर्डिंग है। CCHI क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं।